नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज तन्वी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तन्वी एंड तन्मय। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के इस ड्रग्स रैकेट पर। इसमें बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स हैं और करण जौहर की पार्टी में देखा गया था कि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस ड्रग्स ले रहे थे, जैसे कि मलाइका अरोड़ा, दीपिका पादुकोण और रणवीर कपूर। ऐसे बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस थे जो ड्रग्स लेते थे उस पार्टी में। तो इस जो सुशांत का ये जो केस है, ये भी ड्रग माफिया से जुड़ा हुआ है, ये उससे कनेक्टेड है। और इसमें जब कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ खड़ी हुई थी, तो जया बच्चन उसके खिलाफ कह रही थी और बॉलीवुड को बचा रही थी। और कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में आया था कि जया बच्चन कह रही थी कि मैं कुछ भी खाऊंगी और अगर मेरा मन करे तो मैं गाय का भी मीट खाऊंगी। तो इतना हिंदू होकर ये ऐसा तो नहीं बोल सकती। और अमिताभ बच्चन भी चुप थे। क्यों अमिताभ बच्चन क्यों चुप थे? उन्हें कुछ बोलना चाहिए, उन्हें उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए। भला वो हिंदू हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हम तो गाय की पूजा करते हैं, हम तो मीट नहीं खाते हैं। तो जया बच्चन संसद में आकर भी उसके खिलाफ कह रही थी। और बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स ने उनके घर आके ये भी कहा था कि यहाँ पर आप हमें बचाइए, आप हमें बॉलीवुड को बचाइए आप, और आप संसद में जाके हमारे खिलाफ आवाज उठाइए। ऐसा क्यों ऐसा क्यों किया गया इससे? और अभी बहुत सारे एक्टर्स दुबई भाग रहे और ड्रग्स जो आते थे वो दुबई से आते थे। और ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स वो चीज़ होती है जो एक बार इंसान लेता है तो उसे 10-20 मिनट तक ऐसा लगता है कि वो दुनिया में सबसे अच्छा है, दुनिया में सबसे बड़ा है। और 40 मिनट के बाद जब उसे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो ऐसे बहुत बार वो लोग वो ड्रग्स लेता रहता है। तो जब उसे ड्रग्स नहीं दिया जाता तो इसकी वजह से, ड्रग्स की वजह से श्रीदेवी और बहुत सारे एक्टर्स की मौत हुई है ड्रग्स की वजह से। और सुशांत सिंह राजपूत की भी जो मौत हुई थी, जो मर किया गया था, वो भी ड्रग्स से कनेक्टेड था। तो ये ड्रग्स बहुत ही गंदी चीज़ है और बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस लेते थे ड्रग्स। और वो लोग जब अभी ये केस सामने आ रहा है, ये बॉलीवुड में ये ड्रग्स का रैकेट बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अभी ये सामने नहीं आ रहा था। और जब एनसीबी ने जांच की तब ये धीरे धीरे सामने आता गया। और अब ये इसके अभी ये सामने आ चुका है कि बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस ड्रग्स लेते थे। और अभी जब ये सामने आ रहा है तो बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस कहीं भाग रहे हैं, जैसे वो लोग दुबई भाग रहे। और जहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रग्स आते हैं वो है दुबई, तो वो लोग ड्रग्स क्यों जा रहे हैं? और बहुत सारे एक्टर्स को पहले भी ड्रग्स की वजह से अरेस्ट किया गया है। और हमारे देश इंडिया में ड्रग्स को बैन कर दिया है। और जो लोग ड्रग्स लेते हैं उन्हें 20 साल की जेल होती है। और ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में एक्टर हैं जिन्हें जेल हो चुकी है, उसके बावजूद भी वो लोग ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसा क्यों, वो लोग ड्रग्स क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हमारे देश में ड्रग्स बैन है तो फिर वो लोग ड्रग्स कैसे ले रहे हैं? ड्रग्स दुबई से आ रही है, ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही है, तो ड्रग्स वो लोग लेते थे। और ये जो ड्रग्स का रैकेट है ये अब सामने आने लगा है, तो बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स इसमें फंसने लगे हैं। और जो रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को जो लिस्ट दी है बॉलीवुड का ड्रग्स रैकेट, बहुत ही पुराना है, लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आया था, पर अब सामने आया है। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी तब जब एनसीबी जांच कर रही थी तो पता चला था ड्रग्स का एंगल। और जब एनसीबी अभी रिया चक्रवर्ती से जांच कर रही है तो रिया चक्रवर्ती ने कबूल कर लिया है कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स ड्रग्स लेते थे,
बहुत सारी एक्ट्रेस भी ड्रग्स लेती थी और उस रिया चक्रवर्ती ने 25 नामों की लिस्ट दी है एनसीबी को और उसमें से रिया चक्रवर्ती ने अपनी दोस्त सारा अली खान का भी उसमें नाम है और सुशांत सिंह की डिजाइनर का भी नाम है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ड्रग्स का एंगल बहुत ही पुराना है, वो भी बॉलीवुड में, और बॉलीवुड को कोई और नहीं बॉलीवुड ही बदनाम कर रहा है। और देखा होगा आपने कि जब हम पहले शाहरुख खान क्या बोलते हैं कि मैं ड्रग्स बहुत बुरी चीज है और वो खुद ही ड्रग्स लेते हैं, और क्या आया था ऑडियो में सामने कि मुझे ड्रग्स छुड़ाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि कुछ भी चीज को छुड़ाने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं। और करण जौहर के घर में जो पार्टी थी इसमें इतने सारे लोग आए थे और वो सारे भी ड्रग्स ले रहे थे, तो इससे एक चीज साफ हो जाती है कि बॉलीवुड खुद को ही बदनाम कर रहा है। जया बच्चन सांसद में आके क्या बयान देती है कि कंगना रनौत जिस प्लेट में खाती है उसी में छेद करती है, ये तो गलत है क्योंकि कंगना रनौत नहीं कर रही है, ये खुद जया बच्चन कर रही है। और जब जया बच्चन ये बयान दे रही है सांसद में तो अमिताभ बच्चन को कुछ बोलना चाहिए, जब पूरा भारत उन्हें लाइक करता है, उन्हें पहचानता है, उन्हें जानता है, तो उन्हें कुछ बोलना चाहिए उनकी वाइफ की तरफ से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ये गलत हो रहा है, ये कुछ बोलना चाहिए। और जब सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ था तब भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला है, आज तक कुछ नहीं बोला है उन्होंने, ऐसा क्यों, उन्हें कुछ बोलना चाहिए भला, वो इतने बड़े एक्टर हैं। और जब अमिताभ बच्चन का टाइम खराब चल रहा था, जब वो इतने पॉपुलर नहीं थे, तो अमर सिंह ने उनकी मदद की थी, तो जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने दोनों ने उन्हें धोखा दिया, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बस इतना मकसद है कि ये जो बॉलीवुड में ये ड्रग्स माफिया चल रहा है ये बंद हो, ये रुक जाए, क्योंकि जो हम फिल्में देखते हैं बॉलीवुड की हम उन्हें पहचानते हैं, हम उन्हें जानते हैं, तो वो हमारे आइडल हैं। तो अगर ये जो एक्टर्स हैं ये अगर ड्रग्स लेकर मूवी बनाएंगे तो हम उन्हें आइडल मान के नहीं चल सकते, ये देश के लिए बुरा होगा, ये देश को नहीं मानना चाहिए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये बॉलीवुड में जो ड्रग्स रैकेट चल रहा है वो जल्द ही बंद हो और सब कुछ सही से चले, इतने ड्रग्स ना ले कोई, और ये जो चल रहा है ये भी बंद हो जाए, ये ड्रग्स रैकेट बंद हो जाए, ये मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो मैंने देखा था सुशांत सिंह राजपूत के वीडियो में मेरे बहुत अच्छे लाइक्स आए थे, कमेंट्स आए थे, तो उसके लिए शुक्रिया। एंड मैं आपको हमेशा नई नई वीडियो दिखाती रहूँगी, उसके लिए बाय बाय।